नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद में स्थित जिला परिषद की मार्केट में गुरुवार को उत्तराखंड से आई एनसीबी की एक टीम ने छापेमारी की। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि जिला परिषद मार्केट में आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई 4 सदस्यों की एक एनसीबी की टीम ने एक होलसेल मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। घंटों चली इस छापेमारी के दौरान टीम को कुछ नहीं मिला, लेकिन छापेमारी के चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड एनसीबी के कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में इन दवाइयों को मुजफ्फरनगर से खरीदना बताया था, जिसके चलते देहरादून एनसीबी की टीम के द्वारा आज यहां पर छापेमारी की गई थी। मुजफ्फरनगर ड्रग इंस्पेक्टर पवन शाक्य ने बताया कि उत्तराखंड से एनसीबी की टीम ने आज छापेमारी की। टीम ने बताया कि वह व्यक्ति उत्तराखंड में पकड़ा गया था, जिसने पूछताछ में बताया था कि उसने ये दवाइयाँ यहाँ से खरीदी थी। उसी की जाँच के लिए टीम ने आज छापेमारी की, लेकिन टीम को यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पहले भी बहुत सी टीम यहां पर आती रही है, लेकिन यहां कुछ बरामदगी नहीं हुई है। इस तरह छापेमारी हुई है, ये उत्तराखंड से एनसीबी की टीम आई है, उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को उत्तराखंड में पकड़ा था, जिसने ये बताया, बयान दिया है कि उसने दवा यहां से खरीदी थी। तो उसी की जाँच के क्रम में ये टीम आई है, लेकिन यहाँ पर टीम के द्वारा कोई भी बरामदगी अब तक नहीं। क्या कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। पहले यहाँ पर लगातार छापेमारी हो रही है, पहले भी एक बाहर की टीम आई थी, उनके द्वारा छापेमारी की थी। आप भी नहीं, बहुत पुराने समय से आप लोगों के माध्यम से पता लगता है टीमें आती हैं, लेकिन टीम को यहाँ बरामद भी कुछ नहीं मिलती। यहाँ से व्यापारी लोग बाहर माल बेचते हैं, बाहर किसी के पास कोई भी माल कहीं भी पकड़ा जाता है, वो बता देता है मैं मुजफ्फरनगर से लाया हूँ। और जैसे इस केस के अंदर है, इन्होंने अनीस मेडिकल जो कि उत्तराखंड में है, उसे माल बेचा है, लेकिन उस जो बिल वो लेकर के हैं, उस बिल में कोई भी नारकोटिक दवा का अंकर नहीं है। और इन्होंने भी जो हमें डाटा दिया, उसके अंदर भी कोई नारकोटिक दवा का अंकर नहीं। कौन सी टीम से, कहाँ से टीम आई? उत्तराखंड से आई थी नारकोटिक्स। लगता है कई बार यहाँ पर पहले भी टीम आ चुकी है, बार बार छापेमारी भी होती है। क्या यहाँ मुजफ्फरनगर के विभाग द्वारा भी कुछ कार्रवाई? नहीं, हम लोगों ने भी 30 तारीख को अभियान चलाया था, उसके अंदर भी प्रॉपर सैंपलिंग, प्रॉपर जांच की है, और समय समय पे हम लोग भी जांच करते रहते हैं। मेरे द्वारा अकेले भी जांच की जाती है, टीम के द्वारा भी जांच की जाती है। ये एक जांच की प्रक्रिया है, आप एक चीज़ को समझिए। अब मैं भी जाता हूँ जाँच में, जैसे यहाँ पर कहीं से उत्तराखंड से दवाई बन करके आई या हिमाचल से बन के आई, तो हम लोग भी जाँच में जाते हैं, उत्तराखंड भी जाते हैं, हिमाचल भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। तो ये जाँच की प्रक्रिया है, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी आदमी जहाँ पर दवा बेचता है या जहाँ से दवा खरीदता है, तो वहाँ जांच के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है। अभी कुछ मिला है? नहीं, अभी कोई